कौम-ए-आद एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थे। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र, ना बूढ़े होते ना बीमार होते, ना दांत टूटते ना नज़र कमज़ोर होती, जवान तंदुरुस्त और तवाना रहते। बस उन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था, सिर्फ मौत आती थी। उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया, मगर वो बोले, ऐ हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल ख़राब कर दी है, जा जा के अपने नफल पढ़, हमें ना डरा, हमें ना टोक, तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा का चलन छोड़ दें? अक्ल ख़राब हो गई है तेरी, जा जा के अपना काम कर, तेरे कहने पर चलेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। उन्होंने शिर्क, जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा, तकब्बुर और गुरूर में बदमस्त बोले। तर्जुमा, अब कौम आद ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे जोर आवर कौन है? क्या उन्हें ये नज़र नहीं आया कि जिसने उसे पैदा किया वो उनसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। कोई है हमसे ज़्यादा ताकतवर तो लाओ, हमें किससे डराते हो? अल्लाह ने कहत भेजा, भूख लगी, सारा गल्ला खा गए, माल मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली कुत्ते खा गए, सांप खा गए, दरख्त गिराकर उसके पत्ते खा गए, भूख ना मिटी, ना बारिश हुई, ना कतरा गिरा, ना गल्ला उगा, फिर तंग आकर अपना एक वफ़द बैतुल्ला भेजा। उनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकार उठते, जब दूर हो जाती तो अपने बुतों को पूजने लगते। बैतुल्ला वफ्त गया और कहा, हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि बारिश बरसाए। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए, काला, सफ़ेद, सुर्ख। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफ़ेद खाली होता है, काले में पानी होता है, काला मांगो। अल्लाह ताला ने कहा, वापस पहुंचो, बादल भेजता हूँ। वो खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए, बादल आया, वो नाचने लगे कि अब बारिश होगी, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था कि वो बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब है, जो तुम हूद से कहते थे कि ले आ, जिससे हमको डराता है। उस बादल में ऐसी तंदो तेज हवा थी कि जिसने उनको उठा मारा, उनके घर उखाड़ दिए और लोग तिनकों की तरह उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को टकराती थी, इतनी जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकल निकल कर मुंह पर लटक गए थे। बाज लोग भागकर गार में घुस गए कि यहां तो हवा नहीं आ सकती, मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में बगोले की तरह दाखिल होती और उनको बाहर उठाकर फेंक देती। अल्लाह ने फरमाया, क्या कोई बाकी बचा है? अल्लाह ताला ने उनको हलाक करके दिखाया कि जब तुम अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करते हो, अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। जो गुनाह कौम आद ने किया वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदों को पार नहीं कर गए? क्या हमने अल्लाह को अपनी नाफरमानी से नहीं ललकारा हुआ? आइए तौबा करें, अल्लाह से डरें और कुरान पर अमल करें। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने उन गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें ज़मीन बोस कर दी हैं। अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने रास्ते का मुसाफिर बनाए। आमीन।